ईद रमज़ान की बरकतों का जश्न और ताल्लुकात को निभाने का मौका होता है, लेकिन इस साल पाकिस्तानी ईद लॉकडाउन में गुजारेंगे। कुछ को इस वजह से परेशानी होगी और कुछ नुकसानदेह रवैये अपनाएंगे, लेकिन इस सब से कोई फायदा नहीं होगा। शायद इस ईद हमें वबा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें एहसास दिलाया कि जिंदगी में क्या चीजें अहमियत रखती हैं, जैसे कि सेहतमंद जिंदगी और खुशगवार ताल्लुकात। क्योंकि अहमियत तभी बढ़ती है जब कोई चीज हमें नहीं मिल पाती। तो इस ईद पर हमें वादा करना चाहिए कि अपनी और अपने अजीजों की कद्र करें, ताकि जब ये वबा टल भी जाए तो हमारा माशरा खुशगवार और सेहतमंद बन पाए।